दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय दुग्गल करियर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पौंटा साहिब। पौंटा साहिब में यमुना घाट पर गर्मियों के दौरान नदी में नहाने से कई लोगों की मौत हो जाती है, जिसे देखते हुए घाट पर भारत विकास परिषद शाखा पौंटा साहिब द्वारा 10 लोहे की मोटी चेन लगवाई जा रही है ताकि कोई भी नदी में डूब ना सके। बता दें कि यमुना घाट पर अक्सर गर्मियों के दौरान नहाते हुए कोई सुरक्षा न होने के कारण कई मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में भारत परिषद द्वारा सुरक्षा को लेकर यमुना नदी के घाट पर लोहे की चेन लगवाए जा रहे हैं। इस अवसर पर अध्यक्ष नीरज गोयल, सचिव अनिल सैनी ने कहा कि यमुना में हो रहे हादसों पर संज्ञान लेते हुए भारत विकास परिषद शाखा पौंटा साहिब ने ये कार्य किया है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पौंटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। शिक्षा जगत में तेजी से उभरता नाम दुग्गल करियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पौंटा साहिब अभिभावकों और विद्यार्थियों की पहली पसंद बन चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षाविद आर के दुग्गल के कुशल निर्देशन में स्कूल ने निरंतर नए आयाम स्थापित किए। आर के दुग्गल जी का सपना था कि बच्चों को राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षित करना चाहिए। स्कूल के प्रिंसिपल नरेश शर्मा बताते हैं कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को जेईई, नीट, एनडीए, एनटीएससी जैसे भविष्य कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं के लिए भी तैयार किया जाता है। हर वर्ष आयोजित होने वाली साइंस इंग्लिश ओलंपियाड में भी भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाती है। शिक्षा के साथ साथ खेल कूद में भी विद्यार्थी जौहर दिखा रहे हैं। सूर्यकंठ भारद्वाज ने राष्ट्रीय स्तर में योगा गेम्स में हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया। वहीं स्कूल के विद्यार्थी जोन, जिला व राज्य स्तर पर आयोजित विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में नाम कमा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल में चित्रकला, रंगोली, मेहंदी, वाद विवाद, साइंस क्विज प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। स्कूल प्रशासन विद्यार्थियों के चौमुखी विकास के बेहतर भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत है। आगामी सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, तो अपने बच्चों के सुनहरी भविष्य के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। दुग्गल करियर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पौंटा साहिब।